नमस्कार राजस्थान, जयपुर रियल एस्टेट में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जयपुर शहर में वैशाली नगर, उसके पास में, उसके एक्सटेंशन में, बिंदाई का शहर की प्राइम लोकेशन में हम एक जबरदस्त गेटेड रेजिडेंशियल टाउनशिप लेके आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो रहने का, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे सुपर कनेक्टिविटी हमें चाहिए होती है। तो दोस्तों, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसमें ये जो आगे जाके 100 फीट रोड में मिल जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ, ये जो 100 फीट का सेक्टर रोड है, ये सीधा बिंदाइका को कनेक्ट करता है। बिंदाइका यहाँ से पास में ही है दोस्तों। इसके अलावा जैसे कि मैं बात करूँ कि जैसे कि स्कूल्स की, हमारे बच्चों के लिए, तो ये पास में ही SPS सनराइज स्कूल है, आप देख सकते हैं। सर, जूम करके दिखाइए एक बार। और हमने ही एक इधर भी GPS स्कूल के नाम से स्कूल्स है, जो दैनिक जीवन में हमें बहुत ही आवश्यकता होती है। इसके अलावा मैं बात करूं जैसे मेडिकल फैसिलिटीज या फिर बैंक या फिर नियर बाई मार्केट, तो दोस्तों ये जो सामने आपको मकान दिख रहे हैं, तो इसके जस्ट आगे ही 100 फीट का सेक्टर रोड है। यहाँ पे आपको जैसे बैंक्स और मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा मैं बात करूँ दोस्तों कि प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट में क्या है, तो दोस्तों JDA एंड RERA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, तो आपके सारे क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाते हैं। और मैं बात करूं तो ये बैंक से भी अप्रूव्ड है, जो कि 90% लोनेबल है मित्रों, इजिली वे में आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं एमिनिटीज की, तो जैसे दैनिक जीवन में हमें आवश्यकता होती है, जैसे कि अंडरग्राउंड लाइट, पानी, सीवरेज, ये हमें दैनिक जीवन में आवश्यकता होती ही होती है, तो ये हमने इसमें कंप्लीट दे रहे हैं। और आने वाले लगभग 15 से 20 दिन में ये इस तरीके से चमक जाएगी टाउनशिप, लेकिन तब तक आपको यहाँ पे प्लॉट नहीं मिल पाएगा। तो जब भी आप ये वीडियो देखें, तो तुरंत डिसीजन लें, तुरंत प्लान करें और इस प्रोजेक्ट को विजिट करें, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिंदाई का शहर में इस बजट में और इस रेट में आपको ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला है दोस्तों, नहीं मिलने वाला है, 90% लोनेबल। तो आप यहाँ पे जल्दी से जल्दी आइए और प्लान कीजिए। ओके, धन्यवाद।